देश में 1700 लोगों पर एक बेड और 19000 पर आईसीयू। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम कोविड 19 के अनुसार संक्रमितों की संख्या और ज्यादा हो सकती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत में मौजूदा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल उपकरण नाकाफी हैं। इसमें इजाफे की जरूरत है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में करीब 32,000 सरकारी, सेना और रेलवे के अस्पताल हैं। इसमें करीब 4,00,000 बेड हैं। निजी अस्पतालों की संख्या 70,000 के करीब है। इसके अलावा क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, कम्युनिटी सेंटर भी हैं। सब मिलाकर करीब 10,00,000 बेड होते हैं। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो भारत में करीब 1700 लोगों पर एक बेड है। अब आईसीयू और वेंटिलेटर की स्थिति देखें तो ये भी काफी कम है। इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर के मुताबिक देश भर में तकरीबन 70,000 आईसीयू बेड हैं, जबकि 40,000 वेंटिलेटर। इसमें से भी महज 10% ही खाली हैं। बड़े शहरों में ही है आईसीयू। इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर के अध्यक्ष डॉ. ध्रुव चौधरी के मुताबिक देश में लगभग 40,000 एक्टिव वेंटिलेटर हैं, जो ज्यादातर सरकारी मेडिकल कॉलेज, मेट्रो शहरों के निजी अस्पतालों और सेमी मेट्रो शहर के अस्पतालों में उपलब्ध हैं। फिलहाल छोटे शहरों और कस्बों में इनकी संख्या काफी कम है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए भारत को अगले महीनों में अतिरिक्त 50,000 वेंटिलेटर और अस्पतालों में 2,00,000 से ज्यादा बेड की जरूरत पड़ सकती है, जबकि आईसीयू बेड की करीब 70,000 जरूरत पड़ सकती है। इसी कमी की पूर्ति के लिए अलग अलग स्तर पर राज्य सरकारों ने इसमें वृद्धि के लिए गंभीर और सकारात्मक कोशिशें शुरू भी कर दी हैं। दुनिया भर में है वेंटिलेटर का संकट। कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज में वेंटिलेटर की सबसे अहम भूमिका होती है। सांस लेने में तकलीफ होने पर वेंटिलेटर का ही सहारा होता है। पूरी दुनिया इस वक्त वेंटिलेटर के इंतजाम में लगी हुई है। यूरोप के कई देश वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनियों को ऑर्डर कर रहे हैं। डॉक्टर की संख्या भी जरूरत से कम है। डॉक्टरों की संख्या पर नजर डाली जाए तो ये भी जरूरत से अपेक्षाकृत कम है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के मुताबिक देश भर में 2018 तक 11,50,000 एलोपैथिक डॉक्टर उपलब्ध हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि हर 1,000 मरीज पर एक डॉक्टर का होना जरूरी है। 135 करोड़ की भारत की जनसंख्या में डॉक्टर्स की संख्या काफी कम है और WHO के नियम के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले दिन मुश्किलों भरे हो सकते हैं। अतः देश के नागरिकों को शासन प्रशासन द्वारा सुरक्षित और स्वस्थ रहने हेतु जारी की गई गाइडलाइन का संपूर्ण पालन करना आवश्यक है। अन्य देशों के अस्पतालों में भी बेड का संकट। अस्पतालों में बेड का संकट केवल भारत में नहीं है, बल्कि कोरोना की शुरुआत करने वाले चीन में भी है। यहाँ प्रत्येक 1,000 नागरिकों पर 4.2 बेड हैं। यही कारण है जब कोरोना का संकट यहाँ ज्यादा था तो बड़ी संख्या में होटल्स को अस्थायी हॉस्पिटल में बदल दिया गया था। इसी तरह फ्रांस में प्रत्येक 1,000 नागरिक पर 6.5, दक्षिण कोरिया में 11.5, चीन में 4.2, इटली में 3.4 और अमेरिका में 2.8 बेड हैं। ये आंकड़े वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लिए गए हैं।